प्रकाश सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को लेकर बीजेपी के पूर्व सांसद हरिराम राजभर ने एक विवादित बयान दे दिया है। मऊ के घोषी विधानसभा सीट से बीजेपी के पूर्व सांसद ने कहा कि ओपी राजभर से हमें डर नहीं लगता। इसके साथ ही उन्होंने आपत्तिजनक अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी किया। मगर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को जो गाली देगा कार्यकर्ताओं का, बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, उसको कार्यकर्ता वोट नहीं देंगे चाहे जो भी। और भारतीय जनता पार्टी को जो भी नेता चाहे किसी भी दल का गाली देने वाला होगा, गाली दिया हो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जूतों से पीटो, वैसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वोट नहीं कर सकता है, यह हमारा विश्वास। प्रकाश गठबंधन होगा तो पार्टी का फैसला है, उसके लिए हम क्या करें। तो ये आपका व्यक्तिगत विचार है कि उसको जूता से मारना चाहिए? हाँ, व्यक्तिगत विचार है। आपसे कुछ है क्या, इंटेंशन है क्या उनका? हमसे कोई इंटेंशन नहीं है। तो आपके प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं तो वो तो नहीं कहे कि जूता से मारेंगे? नहीं, तो प्रदेश अध्यक्ष काम अलग है, हमारा काम। मतलब आपका काम है जूता से मारना? आप नहीं समझा जी, मैं कह रहा हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को जो गाली देगा, वो कार्यकर्ता जूता से नहीं मारेगा तो पूजा करेगा। बता दें कि हरिराम राजभर ने ये बयान तब दिया जब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ओम प्रकाश राजभर के पार्टी से गठबंधन की संभावनाओं को स्वीकार करने की बात कही। उन्होंने ओपी राजभर को अपना पुराना साथी बताया था। अगर कोई हमारे विचार से सहमत है, हमारी विचारधारा के साथ चलना चाहता है, हम सबका स्वागत करते हैं, चाहे उसमें कोई भी। नहीं तो अभी थोड़े दिन पहले पानी पी पी कर कोसते रहे आपकी पार्टी को, वर्तमान व्यवस्था। आप वर्तमान की बात करिए, वर्तमान में कोई हमारे साथ आना चाहता है, हमसे सहमत है, हम स्वागत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।